दो मिनट में दुनिया का। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली सेना ने किया ताबड़तोड़ हमला, एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया। हमले के बाद मची अफरा तफरी। इजरायली हवाई हमले में सीरिया में 7 लोगों की मौत, 11 लोगों के घायल होने की खबर। ईरानी दूतावास से 500 मीटर की दूरी पर हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान पर इसराइल की स्ट्राइक, बमबारी में 6 लोगों की मौत। इसराइल ने कहा हिजबुल्ला में फैसला लेने वाला कोई नहीं और जड़ से सफाया करेंगे। लेबनान के बेका पर इजरायली सेना ने दागे रॉकेट्स, कफरती बदनत शहर में स्ट्राइक की और बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। उत्तरी गाजा पट्टी इजरायली सैनिकों ने किया हमला, हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा के जबालिया शिविर पर इजरायली सेना ने की बमबारी, हमले के बाद जबालिया शिविर में लगी भयंकर आग। इजरायली सेना की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूत में स्ट्राइक जारी, हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रही है इजरायल की सेना। इजरायल ने लेबनान में इमारत को बनाया निशाना, बिल्डिंग पर लगी आग और हमले में इमारत में भयंकर आग लग गई। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी, आईडीएफ के 98वीं डिवीजन ऑपरेशन को दे रही है अंजाम, हिजबुल्ला के आतंकियों की तलाश। इजरायली सैनिकों ने नष्ट की हिजबुल्ला की सुरंग, 10 मीटर लंबी सुरंग ध्वस्त कर दी। इजरायल का दावा है कि सुरंग के जरिए घुसपैठ की तैयारी कर रहा था हिजबुल्ला और सुरंग से हथियारों का जखीरा और विस्फोटक भी बरामद किया। हिजबुल्ला के नए चीफ सफीदीन के मारे जाने की पुष्टि, नेतन्याहू बोले मारा गया नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी। तो इसराइल पर हिजबुल्ला का हमला, इजरायली सैनिकों का दावा हिजबुल्ला ने 180 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। आपका रिपब्लिक भारत कुछ नए स्टूडियो में स्वागत है और अब बात करेंगे इजरायली हमले को लेकर के। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इजरायल लेबनान पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन इसी के साथ सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्या यही आने वाले वक्त में क्या यही भविष्य होने वाला है? तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि गाजा पर जो हमले हैं वो अब तेज हो गए हैं और सिर्फ गाजा पर ही नहीं बल्कि लेबनान पर भी इसी तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये ताजा हमले हैं वो इसराइल ने गाजा पर किए हैं, ये एयर स्ट्राइक किए हैं और एयर स्ट्राइक के बाद देखिए किस तरीके से काले धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें पहले भी सामने आई थी कि किस तरीके से गाजा को अभी भी इसराइल यहाँ पर निशाना बना रहा है और हमास के जितने लड़ाके हैं, जितने आतंकवादी, उनका कहना है कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। ये गाजा में बमबारी के बाद लगी आग की तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, पूरी जगह आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें ही नजर आएंगी क्योंकि ये कसम इजरायल ने खाई हुई है कि हमास का अगर एक भी आतंकवादी छूट गया तब तक वो इसे जारी रखने वाले हैं। एक और तस्वीर, ये बेरूत लेबनान इजरायली एयर स्ट्राइक की है जहां पर लेबनान में भी हिजबुल्ला के जो आतंकवादी है उन्हें खत्म किया जा रहा है। यानी हिजबुल्ला से लेकर के हमास तक किसी को भी बख्शने के मूड में इस वक्त इजरायल नजर नहीं आ रहा है। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी ये एयर स्ट्राइक इसी तरीके से जारी है क्योंकि लेबनान एक तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ था। बेरूत लेबनान हवाई हमलों के बाद इमारतों में पूरी तरीके से आग लग गई, इमारतों को आग ने अपनी जद में ले लिया है, उसकी तस्वीर भी ये सामने आई है। और ये युद्ध विराम अभी नहीं होने वाला है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक पूरी तरीके से हम इन्हें खत्म नहीं कर देंगे नहीं रुकेंगे। सीरिया पर आईडीएफ का हमला, यानी तीन मोर्चों पर जो अटैक है वो नजर आ रहा है, हमास से लेकर के बेरूत तक और बेरूत से लेकर के सीरिया तक। और इसी तरीके से ये जो अटैक है वो जारी है। अब ये तस्वीर सीरिया पर आईडीएफ के अटैक की सामने आई है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सफीदीन है वो मारा गया है, यानी नसरुल्लाह का जो उत्तराधिकारी थे वो मारा गया। अब ये सवाल कि हिजबुल्ला की कुर्सी पर जो भी बैठेगा क्या वो मारा जाएगा? हिजबुल्ला की कुर्सी मौत का सीधे सीधे टिकट है। इस रिपोर्ट में देखें लेबनान में इजराइल ने हमले और प्रचंड कर दिए हैं, वो जमीन और हवाई हमले एक साथ कर रहा है, तो तैयारी समंदर से हमले की भी कर रहा है। आईडीएफ लेबनान के दक्षिण तटीय इलाके से ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इजराइल और लेबनान के आतंकी संगठन
हिजबुल्ला के बीच लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि हिजबुल्ला चीफ की कुर्सी नहीं बल्कि मौत का टिकट है। नेतन्याहू का सीधा संदेश हिजबुल्ला के उन नेताओं को था जो चीफ की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हमने हिजबुल्ला की ताकत को कम कर दिया है, हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया जिनमें खुद नसरल्ला, उसका उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी का विकल्प भी शामिल है। नेतन्याहू की तरफ से लेबनान के लोगों के नाम जारी संदेश में ये दावा किया गया कि हिजबुल्ला इस समय बीते कई सालों की तुलना में सबसे कमजोर है। उन्होंने वहां के लोगों से खुद को हिजबुल्ला से आजाद करने के लिए कहा। नेतन्याहू ऐसा दावा क्यों और कैसे कर रहे हैं उसे भी समझाते हैं। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह की मौत के बाद उत्तराधिकारी भिड़े। आईडीएफ ने हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खुद इसकी पुष्टि की। सैफुद्दीन अभी अगले चीफ का अहम दावेदार था, पिछले 30 सालों से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ मिशन जारी रखेगा। हम ये तय करेंगे कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए। जब तक दुश्मन हमारे देश की शांति के लिए खतरा बने रहेंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी और जब तक हमारे बंधक गाजा में हैं हम लड़ते रहेंगे। अब तक जो तस्वीरें सामने आई और नेतन्याहू की सेना जिस एक्शन मूड में है उससे साफ है कि इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ईरान से बदला लेने की कसम खा चुका है और वो पीछे नहीं हटेगा। यानी हिजबुल्ला के साथ ही इजरायली विरोधियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए चीफ की कुर्सी मौत का टिकट है और निशाने पर हिजबुल्ला के अहम ठिकाने लगातार इजराइल डिफेंस फोर्सेस अटैक कर रहे हैं। इसकी जानकारी हम आपको देते हैं कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। हमले में अब तक 2119 लोगों की जान जा चुकी है। घायल लोगों का आंकड़ा भी आपको बताएंगे कितने लोग घायल हो गए हैं। आईडीएफ के हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 24 घंटे में इजरायली हमलों में 36 की मौत और 150 से पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। और देखिए अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो विस्थापित हुए हैं।